प्यारे बच्चों नमस्कार। 10वीं कक्षा के विज्ञान के चैप्टर मानव नेत्र व रंग बिरंगा संसार के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम वायुमंडलीय अपवर्तन और उसके प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे ये हम जानते हैं कि जैसे मान लीजिए पृथ्वी के चारों जो गैसेस का एक एनवलप है, एक जो गैसेस का जो एक आवरण है वो क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है। और जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है और वायुमंडल की जो है अलग अलग परतें होती हैं। ओके, वायुमंडल को हम ये मान के चलते हैं कि इसमें अलग अलग परतें हैं और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं इसमें जो वायु का घनत्व है वो अधिक होता जाता है। और यदि हम ऑप्टिक्स की भाषा में बात करें, प्रकाशिकी की भाषा में अगर हम बात करें, तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं अपवर्तनांक जो है हर एक परत का बढ़ता हुआ जाता है। ठीक, तो हर एक परत का अपवर्तनांक अलग अलग होने के कारण वायुमंडल के अंदर अपवर्तन प्रकाश का अपवर्तन होता है और यही जो है वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। और वायुमंडलीय अपवर्तन के अगर हम प्रभाव देखें तो उसी वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से तारे जो है वो वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। दूसरे नंबर पर हम अगर देखें तो सूर्य जो है वो अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त, यानी सूर्योदय जो है 2 मिनट, आपको सूर्य उदय होने से 2 मिनट पहले दिखाई देने लग जाता है, सूर्यास्त होने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता। और तीसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे तारों का टिमटिमाना। तो ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और वैसे इंटरेस्टिंग भी है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑब्वियसली भी इम्पोर्टेंट है, तो इनको हम पढ़ते हैं। तो अब आइए समझते हैं कि तारे जो अपनी वास्तविक ऊंचाई से कुछ ऊंचे कैसे प्रतीत होते हैं। तो ये समझने के लिए जैसे मान लीजिए कि ये हमारी अर्थ है, पृथ्वी है और ये इसके चारों तरफ वायुमंडल है। एक बार समझने के लिए मैं बस इतनी परतें दिखा देता हूँ। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास कोई तारा है और जैसे यहाँ से प्रकाश की किरण ऐसे आएगी तो विरल माध्यम से सघन, जैसे जैसे नीचे की तरफ आते हैं माध्यम सघन होता जाता है, अपवर्तनांक बढ़ता जाता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो अभिलंब यहाँ से जाने के बजाय अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। इसी तरह से ये अभिलंब की तरफ मुड़ती जाती है। ओके, और जैसे यहाँ पृथ्वी पर कोई प्रेक्षक है तो उसको ऐसे नजर आएगा कि ये तारा यहाँ कहीं है, तो तारा था यहाँ पर और दिखे कुछ ज्यादा ऊंचाई पर। ठीक, तो वास्तव में ये जो अपवर्तनांक है ये ग्रेजुअल है। ग्रेजुअल का मतलब है कि कंटिन्यूअस इसमें चेंजिंग होती रहती है। ठीक, तो ये चित्र जो है हम कुछ इस तरह से दिखाएंगे, इस तरह से यूं लगातार। ओके, तो यहाँ पर जैसे मैं नोट्स में इसको साफ साफ दिखाया हुआ है कि ये जैसे तारा है और यहाँ पर ग्रेजुअल इसका यानी परिवर्ती अपवर्त ये जो है क्रमिक इसमें अपवर्तनांक अपवर्तन होता रहता है, लगातार इसमें अपवर्तन होता रहता है, जिसकी वजह से ये मार्ग जो है कुछ इस तरह से देखने वाले को लगेगा कि तारा यहाँ पर है। ओके, तो जो चीज़ मैंने समझाई है वो मैंने सिंपल सी हिंदी में लिख दी है कि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुँचने तक तारे का प्रकाश निरंतर क्या होता रहता है, अपवर्तित हो जाता है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जिसका क्रमिक अपवर्तनांक हो, यानी उसमें क्रम से बढ़ता हुआ अपवर्तनांक हो। ठीक, जिसकी वजह से तारे का प्रकाश अभिलंब की ओर झुक जाता है और अगर हम क्षितिज के नजदीक यानी पृथ्वी के नजदीक अगर हम इसको देखें तो तारा देखने पर अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर दिखाई देता है। ओके, अब देखिए अगला टॉपिक आता है हमारा अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त। अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त का मतलब है कि सूर्योदय से पहले सूर्य का दिखाई देना और सूर्यास्त के बाद तक भी इसका दिखाई देते रहना। अब देखिए कि इसको मैं एक चित्र के माध्यम से समझाता हूँ कि मान लीजिए ये हमारी अर्थ है और ये अर्थ का सरफेस है और यहाँ से अगर हम एक लाइन खींचे तो इसको हम क्षितिज कह सकते हैं। अब देखिए वास्तव में
सूर्य जब यहाँ क्षितिज पर आ जाए तब हमें दिखाई देना चाहिए, लेकिन वास्तव में जब सूर्य क्षितिज से कुछ नीचे होता है, मान लीजिए कि सूर्य है, ये हमें तभी दिखाई देने लग जाता है। किस वजह से? वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से। तो मैं एक चित्र से समझाता हूँ कि मान लेते हैं कि हमारे पास पृथ्वी का वायुमंडल है, ये वायुमंडल के अलग अलग परते हैं, ठीक। तो जैसे सूर्य का प्रकाश इस तरह से आता है तो ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे सूर्य के नजदीक अर्थ के सरफेस के नजदीक आते हैं वायुमंडल की परत सघन होती जाती है, तो ये सीधा जाने के बजाय अपने अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगा थोड़ा सा, ठीक, और फिर ये अभिलंब की तरफ मुड़ेगा, ओके, और फिर ये अभिलंब की तरफ मुड़ेगा। तो यहाँ पर अगर कोई प्रेक्षक है तो उसको ये सूर्य जो है यहाँ कहीं दिखाई देगा। तो सूर्य अभी अर्थ से क्षितिज से नीचे है, लेकिन वायुमंडलीय परावर्तन की वजह से ये आपको ऊपर दिखाई देगा। तो यहाँ पर नोट्स में मैंने जो है अलग अलग परतें नहीं दिखाई है, क्योंकि ये जो अपवर्तन होता है ग्रेजुअल होता है कि लगातार होता है इस तरह से, ठीक। तो इसका चित्र मैंने सीधा बना दिया। ठीक उसी तरह से सूर्यास्त जब यहाँ पर होता है तब भी सेम स्टोरी रिपीट होती है, ठीक, वही इसका परावर्तन, ओके। और ठीक उसी तरह से ये सूर्यास्त के बाद भी 2 मिनट तक दिखाई देते रहते हैं। तो 2 मिनट तो यहाँ प्लस हो गए, 2 मिनट यहाँ प्लस हो गए, तो कुल मिला करके 4 मिनट जो आपको सूर्य पूरे दिन में फालतू दिखाई देता है, दिन की लंबाई जो है वो 4 मिनट बढ़ जाती है। किसकी वजह से? वायुमंडलीय परावर्तन की अपवर्तन की वजह से, ओके। तो यहाँ पर देखिए मैंने बिल्कुल सिंपल सी भाषा में लिखा है कि जब सूर्योदय होने लगता है तो उससे पूर्व सूर्य के आने वाली किरणें वायुमंडल के विभिन्न गंतों की परतों में से अपवर्तित होती है, ओके। और जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर उठते हैं तो वायुमंडल का गंतव क्या होता जाता है? कम होता जाता है, और सूर्य की किरणें किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में बाहर से आते हुए उत्तरोत्तर सघन माध्यम की ओर गमन करती है, परिणाम स्वरूप ये किरणें अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसी कारण सूर्य क्षितिज से थोड़ा नीचे होता है तभी हमें दिखाई देने लग जाता है, और इसी कारण से सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक भी सूर्य दिखाई देता रहता है, ओके। अब हमारा अगला टॉपिक है तारों का टिमटिमाना, यानी तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई क्यों देते हैं। अब ये समझने से पहले जो है, अभी आपने कई बार देखा होगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई भट्टी जल रही है, ओके, और भट्टी से जो है आग या उसके भाप के जो लपटे हैं, मान लीजिए यहाँ तक आग है, उसके ऊपर जो है आप जो गर्म हवा को देख सकते हैं, और जब आप इस गर्म हवा के अंदर से अगर कोई चीज़ आप देखोगे, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई वस्तु पड़ी है या कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा है, यहाँ से आप इसको देख रहे हैं, ठीक, तो आपकी आपको इसकी आवासीय स्थिति जो है वो परिवर्तित होती हुई दिखाई देगी, यानी थोड़ा सा हिलता हुआ सा नजर आएगा, ठीक। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे हमारे ऊपर, जैसे ये हम खड़े हैं यहाँ पर, हमारे ऊपर जो वायु है वो ठंडी है, ठंडी है तो देख सघन है, सिंपल सी बात है, और जो इस आग के ऊपर जो वायु है वो गर्म है, गर्म है तो इसका मतलब वो विरल है, उसके कण दूर दूर होंगे, और वो भी लगातार चेंज होता जाता है, ठीक, इसका माध्यम भी। तो जैसे हम यहाँ से इस वस्तु को देखते हैं तो प्रकाश का अपवर्तन होता है, सघन से विरल में जाएगी, फिर विरल से वापस सघन में जाएगी, और फिर यहाँ पर ये चेंजिंग है लगातार, ठीक। तो इसकी इस वस्तु की वास्तविक स्थिति जो थोड़ी सी चेंज होती जाएगी, कभी थोड़ा सा इधर दिखेगी, कभी इधर दिखेगी, ठीक। तो हम ये कहते हैं गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु की आवासीय स्थिति क्या होती रहती है? परिवर्तित होती रहती है। तो सेम ऐसी ही स्टोरी जो है तारों के टिमटिमाने में जो है वो होती है कि अगर तारा कोई दूर है तो इसका मतलब वो उसको हम एक पॉइंट सोर्स मान सकते हैं, एक बिंदु के समान मान सकते हैं, ठीक। और जो तारों से जो प्रकाश आता है वो उसका पथ भी क्या है, थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होता रहेगा, ठीक।
क्यों होता रहेगा, क्योंकि जो वायुमंडल की जो लेयर है वो उनका घनत्व कोई फिक्स तो है नहीं, वो भी थोड़ा बहुत चेंज होता ही है। अगर वो चेंज होगा तो इसका मतलब जो तारों से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, एक बार जैसे मान लीजिए तारे की पोजिशन हमें यहाँ दिखाई थी, अब क्योंकि पॉइंट सोर्स है तो अब इतने में क्या है कि इसकी लेयर की सघनता में परिवर्तन हो गया, तो ये थोड़ा सा इधर दिखाई देगा, कभी थोड़ा सा लेफ्ट में, कभी थोड़ा सा राइट में दिखाई देगा। तो ये पथ परिवर्तित होने की वजह से जो है तारा की आभासी स्थिति जो है वो भी विचलित होती रहती है, यानी तारा आपको थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट नजर आता है। साथ ही क्या होता है कि जो आंखों में जो प्रकाश प्रवेश करता है तारे का, वो उसकी मात्रा भी कम ज्यादा होती रहती है, झिलमिलाती रहती है, ठीक, जिसके कारण तारा कभी तो चमकीला दिखाई देगा, कभी धुंधला दिखाई देगा। तो उस वजह से हम ये कह सकते हैं कि तारा जो हमें टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है, ठीक। अब क्वेश्चन ये उठता है कि तारा तो टिमटिमाता, लेकिन ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? तो तारा काफी दूर होता है, काफी दूर होने की वजह से ये छोटा दिखाई देता है, और छोटा दिखाई देता है तो हम इसको एक बिंदु स्रोत मानते हैं, एक पॉइंट सोर्स मानते हैं, जबकि ग्रह जो है वो पृथ्वी के काफी नजदीक होता है, और काफी नजदीक होने की वजह से जो उसको हम पॉइंट सोर्स नहीं मान सकते, क्योंकि वो बड़ा दिखता है, बड़ा दिखता है, तो इसलिए इसको बिंदु स्रोत नहीं माना जा सकता, बल्कि अनेक बिंदु स्रोतों का एक समूह मान के चलते हैं कि ग्रह जो है वो क्या है, कई सारे बिंदु स्रोतों का एक समूह है। तो ऐसे में अगर ग्रह से कोई प्रकाश आता है, प्रकाश की किरण आती है, तो उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन भी होता है, तो भी इस ग्रुप में कोई फर्क नहीं पड़ता कि मान लीजिए यहाँ वाला पॉइंट थोड़ा सा इधर दिखाई देगा, यहाँ वाला कोई इधर दिखाई देगा, तो भी ग्रह की स्थिति में कोई परिणामी जो है आभासी स्थिति में कोई चेंज नहीं होता, और इस तरह से ग्रह जो टिमटिमाते हुए नजर हमें नहीं आते, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तारे हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं जबकि ग्रह टिमटिमाते हुए नजर नहीं आते। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, फिर भी कोई दिक्कत हो तो भाई कॉमेंट करके बता देना, यथासंभव आपका जवाब दूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।